अभी आपने रागनी में सुना कि शत्रुघ्न से भरत कह रहे थे, दास खड़े रथ से तारण को आवे लोग लुगाई ना, राम लखन प्यार प्राणों से प्यारे खड़े द्वार पर भाई ना, करण आरता बेटों काज तीनों माता आई ना, गुरु महात्मा संत मुनिजन देते पिता दिखाई ना, ब्रह्मपाल नागर जीते जी फूटे भाग अयोध्या में, कि हमारे ना तो आज पिता दिखाई दे रहे हैं, ना तो आज पिता दिखाई दे रहे हैं, ना तीनों माता आरता करने के लिए आई ना, और घर परिवार के लोग हमारे गुरुजन वो सम्मान में दिखाई दिए, आखिर ऐसी क्या अनहोनी हुई है। जब भरत वहां से उनकी उदासी को देख करके खुद भी उदास हो गए और जाकर के अपनी माता केकई को प्रणाम किया, केकई को नमस्कार किया, चरण छुए, माता केकई ने भरत को पुचकारा, तो भरत पूछने लगते कि माता आज कुछ सोनापन दिखाई दे रहा है। और इस बात को सुनकर के आज रानी केकई हंसने लगती है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगती है, बेटे भरत मैंने तेरे लिए आज ऐसा काम कर दिया है कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, तुझे कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस करने की जरूरत नहीं रहेगी। भरत पूछता है कि माँ ऐसा क्या काम हो गया, ऐसा क्या काम मेरे लिए कर दिया, तो किस तरह से वो रानी के कई भरत को क्या बता रही है, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा, ऋतु चौधरी के द्वारा। कहिए बेटा भरत, आज हाँ इन महलों के अंदर मुझे कुछ सूनापन महसूस हो रहा है। देख बेटा भरत, आज मैंने तेरा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। हे माता, हाँ इस अयोध्या नगरी के अंदर मेरे रास्ते में रुकावट क्या है, मेरा तो पहले भी रास्ता साफ था, आज मुझे महलों के अंदर ना तो अपने बड़े भाई रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता भाभी और पिता वो नजर नहीं आ रहे, आज माताओं के भी मन में मुझे कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, आखिर माता बात क्या हुई है। बेटा भरत, अब मैं तुझे राजपाट का मालिक बना दूंगी। राजपाट का? हाँ, और जो राम थे वो मैंने 14 वर्ष को भेज दिए। हाँ। बनो में क्या कह रही हो माता? हाँ बेटा भरत, बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुन ले तू माता। हाँ आप कहीं मेरे साथ में कोई मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं बेटा भरत, क्या कहना चाह रही हो आप? मेरी बात सुन ले, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहिए। राम भेज दिए मन खंड को मने, पर दिया रास्ता साफ तेरा।
यही मेरे प्राणों से प्यारे भाई रामचंद्र को तूने वनवास भेज दिया। हाँ बेटा भरत, बहुत गलत किया है तूने माता। उस भाई को भेज दिया कि जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। जिन भाइयों में इतना प्यार रहा, जिसकी मैं उंगली पकड़ करके चलना सीखा, मेरे उस भाई को तूने वनवास करवा दिया। बेटा भरत, मैंने वो किस लिए भेजा है तू बात सुनना चाहता? मैंने क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? मेरी बात सुन ले। मेरे भाई को क्यों वनवास भेज दिया? गलत किया है माता। सुनिए मेरी बात, कहिए। ₹100 देकर के सम्मान बढ़ाया गया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। हे माता, यही भरत, आपने पिता से वचन मांग करके मेरे भाई को 14 साल वनों में भेजा। हाँ। और मेरे लिए राजगद्दी की चाहत रखते हुए आपने ऐसा कदम उठाया। हाँ बिल्कुल, इसी कारण से आज इस अयोध्या नगरी के अंदर ये सूनापन छाया हुआ है माता। अच्छा, आपके इन वचनों के कारण आज देख रही हो इन राज महलों के अंदर कैसा शोक छाया हुआ है, कैसे लोग उदास दिखाई दे रहे हैं। पिता ने ऐसा आखिर कर क्यों दिया? सुन ले मेरी बात, ऐसा कर क्यों दिया? सुनिए, फिर बाप तेरा।